नमस्ते। हमने एक धारावाहिक बनाया, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके जरिए हम परिवार नियोजन के मुद्दों पर हमारे समाज की सोच और बर्ताव में एक बदलाव लाना चाहते हैं। धारावाहिक ने बहुत सफलता हासिल की, लेकिन हम और गहराई में जाकर ये देखना चाहते थे कि जमीनी स्तर पर लोगों की आम जिंदगी में इसका क्या प्रभाव हुआ है। इसीलिए हमने एक कार्यक्रम बनाया, रील टू रियल। इसके जरिए हम ये देखना और दिखाना चाहते हैं कि इस धारावाहिक की कहानी और हमारे समाज की वास्तविकता के बीच क्या संबंध है। हमें हमारी आशा कार्यकर्ताओं पर गर्व है, खास तौर से महिलाओं और बच्चों को लेकर वो जो काम करती हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और अब सरकार ने साथिया यानी पीयर एजुकेटर्स को भी हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में जोड़ दिया। धारावाहिक मैं कुछ भी कर सकती हूँ में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। तो आइए चलते हैं मेरे यानी डॉक्टर स्नेहा के साथ और मिलते हैं वास्तविक जिंदगी की आशा और साथिया से। अचानक हमको कुछ अजीब सा लगा। हमको लगा कि हमको बाथरूम जाना होगा। हम उठकर टीचर के पास गए तो पीछे कपड़े पे खून का दाग लगा था। सब लोगों ने देख लिया। हम उसके बाद जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। जो नगमा के साथ हुआ वो अक्सर कई सारी लड़कियों के साथ हो जाता है। हर लड़की को 12 से 14 साल की उम्र में मासिक होता है और 40 से 50 की उम्र में ये बंद हो जाता है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि सफर को 2 साल हो चले हैं। इस सफर का एक चुनौतियों से भरा हुआ पर दिल को तसल्ली देने वाला पड़ाव रहा है युवाओं के मुद्दों, उनकी परेशानियों पर बातचीत कर उन्हें सुलझाना। खुशी होती है ये देखकर कि ट्रेनिंग पाए हुए साथिया अपने जैसे दूसरे युवाओं तक पहुँचते हैं, उन्हें अपनी परेशानियों का हल ढूंढने में मदद करते हैं, उनके साथी बनते हैं। हम लोग आज मुद्दा है मासिक धर्म के बारे में और धात के बारे में। ऐसे कि हम लोग मासिक धर्म में अधिकतर हम लोग कपड़े का यूज़ करते हैं ना, अगर जानकारी नहीं हो तो हम लोग कपड़े का यूज़ करते हैं। अगर हम सलाह मिले तो हम लोग अधिकतर पैड यूज़ करना चाहिए। हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों का धारणा होता है कि जब पीरियड्स होती है तो ये मत छुओ, पूजा का सामान है वो मत छुओ, कोई पेड़ पौधा है उसको मत छूना है, घर के किचन का कोई मसाला वसाला उसको मत छूना है, वो पुरानी धारणाएं मानी गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मासिक होता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इससे ये हमारी प्रजनन की क्षमता होती है। ये प्राकृतिक की देन है जो सभी लड़कियों में नेचुरल है। सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि जिस समाज में लड़कियों के मासिक आने पर उनकी शादी करवा दी जाती है, उस समाज की लड़कियां आज प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, ये किशोरी क्लब है क्या? किशोरी क्लब ये है जैसे हम लोग लड़कियों जो होते हैं जो परेशानी होती है हम लोग में वो हम लोग अपना जाहिर करते हैं अपने दीदी लोग से, हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं उनसे हम अपने सारी फीलिंग अपना बताते हैं। अच्छा ये आइडिया किसका था किशोरी क्लब बनाने का? पहले तो ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ नहीं पाते थे, मतलब एक जगह इन लोगों से बात भी करना तो अकेले अकेले बात, मगर ये एक ऐसा हम लोग को माध्यम मिला ये सब कि जिसमें लड़कियां हम लोग के साथ खुलकर सामने आई और एक ये लोग खुद डिसाइड किए कि हम लोग का एक क्लब बनना चाहिए। जो समस्या है अपने मम्मी पापा से ये लोग सॉल्व नहीं कर पाती वो उन समस्याओं को लेकर अपने क्लब में बैठती हैं, अपने क्लब में अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने आस पास की जो भी समस्याएं होती है उस पर भी ये लोग चर्चा करती है। एक साथिया की जिम्मेदारी किशोर किशोरियों में आ रहे शारीरिक बदलाव, शारीरिक स्वास्थ्य और खुशहाली, मानसिक स्वास्थ्य, गुप्त अंग और गुप्त रोगों की जानकारी, हिंसा के खिलाफ आवाज, अपने अधिकारों का परिचय और इस तरह की जरूरी बातों को लेकर इन्हें तैयार किया जा रहा है। जैसे पीरियड वगैरह के बारे में उतना कोई पेरेंट्स से जल्दी शेयर नहीं कर पाता, पर ये जो ग्रुप बना उसमें हम लोग लड़कियां भी बहुत सारी फ्रेंड बन चुकी हैं। पीरियड्स के अलावा यानी कि महावारी के अलावा और कौन से टॉपिक्स के बारे में बात की है? परिवार नियोजन पे हुआ, जैसे वो 3 साल के बच्चे 21 साल की उम्र लड़का की 21 साल और लड़की का 18 साल में शादी करने और 21 साल में बच्चे को पैदा करने और 3 साल का अंतर पे नियोजन बताएंगे हम लोगों को।
फिर वो HIV सबको भी बताती है वो कैसे फैलती है। HIV पहली बार भी असुरक्षित संबंध बनाने से हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला HIV से ग्रसित है या नहीं। इसीलिए हर बार असुरक्षित संबंध बनाने से बचना चाहिए। अच्छा, आप लोगों के पिताजी क्या कहते हैं जब आप ये सब चीजें कर रही होती हैं? उन्हें पता है आप किशोरी क्लब की मेंबर हैं, यहाँ पर क्या सीखती हैं, क्या करती हैं, उन्हें सब पता है? हाँ, पर क्या कहते हैं वो लोग? बोलते नहीं, चलो मेरा बेटा कुछ कर रहे हैं। कभी कभी किसी के पिताजी ने उनको मना किया है किशोरी क्लब में जाने से? नहीं। वो तो बहुत अच्छी कर रही है। और रही आप लोग की संस्था की बात, हम तो चाहेंगे कि आपकी संस्था पूरे बिहार या पूरे इंडिया में एक्सेस हो, ताकि हम लोग का जितनी भी छोटी बच्ची है, आपकी 18 साल 19 साल का 15 साल जो भी हो, सभी को आप लोग संरक्षण मिले और बहुत अच्छी अच्छी तरह से कुछ कुछ उसको वैरायटी सीखने को मिले। 18 साल से पहले शादी तो नहीं कराएंगे ना? देखिए, हम तो राय यही देंगे कि अगर बच्ची है, अगर वो 9th, 10th, 11th जो भी पढ़ना चाहती है, उसकी इच्छा के अनुसार उसको एजुकेशन देना ही चाहिए। अगर हम दो रोटी खाते हैं, दो रोटी नहीं खा के हम एक ही रोटी खाएं, उसमें से 8 नाम बचा करके बेटी के नाम से रखें और बेटी को एजुकेशन दें, तो मेरा सबसे बड़ा प्रमुख चीज है। क्या क्या तुम जैसे इतने आराम से तुम लोग अब हर किसी विषय के बारे में बात कर लेते हो, तो कहाँ से तुमको इतना हौसला मिला, कहाँ से ये सब सीखा? मैं कुछ भी कर सकती हूँ प्रोग्राम से, इससे बहुत इंस्पायर हुई मैं। इसीलिए इस किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को जरूरत होती है एक साथिया की, एक ऐसा साथिया जिसके साथ वो खुलकर निडर होकर बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, बिना शर्म के अपने मन की सारी दुविधाओं को, अपनी समस्याओं को सामने रख सके। अच्छा, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं जो आप ये सब ग्रुप में जाती हैं, मीटिंग करती हैं? वो घर वाले सपोर्ट करते हैं मेरा, कहते हैं कि चलो अच्छा बात है। और मेरी मम्मी भी आशा कार्यकर्ता है, उसको भी ये बात पता है, वो भी प्रोग्राम देखती है, वो भी उसको भी प्रोत्साहन मिला बहुत ज़्यादा। और हमको भी और ये है नीलिमा, इसे गाँव में लोग आशा दीदी या बहन जी कहते हैं। ये लोगों के घर तक पहुंचती है, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याओं तक पहुंचती है। और रीता देवी हैं असल जिंदगी की आशा, जो अपनी बस्ती के परिवारों के स्वास्थ्य की समस्याएं समझती हैं और उन्हें दूर करने में मदद करती हैं। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक समझ। क्या हो रहा है यहाँ पर बताइए जरा मुझे। 1.5 महीना का बच्चा है। अच्छा, तो इनसे हम मतलब आते हैं जाते हैं, मिलते रहते हैं हर बार, तो हम लोग अगली बार। तो आप इतने सालों से ये काम कर रही हैं, आपको क्या फर्क लगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ के पहले और उसके बाद? पहले उतना जागरूकता नहीं था मैडम कि मैं पहले फील्ड में निकलते थे तो कोई हमको पहचानती नहीं थी, कोई हमको जैसे घर में घुसते थे सीधे बोल देते नहीं नहीं हमको कोई कुछ से काम नहीं। अब मैं भी कुछ कर सकती हूँ, सीरियल देखे और मीटिंग में गए तो हमको और कुछ जानकारियाँ हुई। अगर हमको फील्ड में कष्ट हुआ तो मैं दोस्त हैं साथी हैं, मैं उसके बुला के उसे सहारा से अब मैं फील्ड में जी पूरा वेरीफाई हो गई हूँ, मेरा कोई तरह से अब दिक्कत नहीं होता है। तो जब आप फील्ड में जाती हैं लोगों को समझाने के लिए, तो क्या कभी कोई आपसे ये सवाल नहीं पूछता कि आपने जल्दी शादी की, आपके 4 बच्चे हैं, तो आप उन्हें क्यों समझा रही हैं? नहीं मैडम, फील्ड में बोलता है। तब क्या जवाब देती? तब यही देते, मैं पहले जागरूकता नहीं थे, मेरे पास पहले ज्ञान नहीं था, मैं आज सीख के आई हूँ तो आपको बता रही हूँ, मेरे तरह आप भी सीख जाए। मैं धोखा खाई हुई हूँ, साल में बच्चा मैं दे चुकी हूँ, मेरा पास बहुत कष्ट हुआ बच्चा पालने में। आपकी 2 बेटियाँ और 2 बेटे? बेटे हैं। क्या चाहती हैं आप अपने बच्चों के लिए? मैडम मैं तो बेटी के लिए लगी हूँ, बेटा के लिए कि जितना पढ़ सके मेरा बच्चा सब, जितना तकले बनेगा उतना तकले हम पढ़ा सकते हैं बच्चे लोग का। हम चाहेंगे कि हमारी परम प्रिय परम स्नेही आशा बहन नीलिमा जी अपने कर कमलों से इस आरोग्य निधि का उद्घाटन करें। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो और इतना बड़ा सम्मान। अरे नीलिमा जी, आप आरोग्य दूत हैं, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है आपको हमारे गांव में भेज करके।
आपने जिस तरीके से हमारे गांव में घर घर में जाकर जो सेवा कार्य किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अच्छा शिल्पी, देखो तुम अब यहाँ तक पढ़ रही हो, इतना आगे तक पढ़ी हो, तो इस पढ़ाई को पूरा करने में तुम्हें कोई दिक्कतें आईं? मेरे एज की जितनी भी लड़कियाँ थी उनका शादी हो चुका है। शादी का बात मेरे लिए भी हो रहा था, पर अपने मम्मी पापा को समझाया, बोले कि हमको अभी आगे पढ़ाई करनी है, हमको अभी शादी नहीं करनी, कुछ बनना है, कुछ सपना है जिसको पूरा करना उसके बाद। आप दोनों जैसे एक दूसरे की दोस्त बनकर रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहिए और सबको जागरूक कीजिए, ताकि आपको देखकर दूसरी माँ बेटियाँ भी जागरूक होंगी, आपस में बात करेंगी, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगी, उनका हल ढूंढेंगी। बदलाव की पहली सीढ़ी घर से ही शुरू होती है और इस सीढ़ी पर रीता देवी और शिल्पी अपना पहला कदम रख चुके हैं और उनके साथ निकल पड़ा है उनका समाज एक नई ऊंचाई से एक नए नज़ारे को देखने। घरेलू हिंसा हमारे समाज पर एक धब्बा है और इसके आंकड़े हमें शर्मिंदा करते हैं। बस अब बहुत हो गया, इसे रोकना होगा, जड़ से मिटाना होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक में हमने इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उठाया है। चलिए देखते हैं लोगों पर इसका क्या असर हुआ। मेरा तो कम उम्र में माता पिता ने शादी कर ही दिए थे, इसके वजह घर में घरेलू हिंसा होता था, तो इसी वजह से मैं अपना जिंदगी उसी को मान ली। अरे दीदी, कोई जरूरी नहीं समझता हमसे बात करना, हमारे यहाँ तो पति सास ससुर यही मिलके फैसला ले लेते हैं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये आपका शरीर है, इस पर आपका हक है। हक वक्त तो दूर की बात है दीदी, हमारे मुंह से तो बोली तक नहीं फूट सकती, कोई नहीं सुनता हमारी। पहले भी मार खाते थे, इसलिए मैंने ठान ली कि मार खा के भी मीटिंग में जाएंगे। अरे दीदी, आज भी हम सावन के मेले की चर्चा करने आए हैं, ई बोल के घर से निकले हैं, पर ना आपको पता है कोई आने ही नहीं देता। अब जब हमने इस तरह से मिलने की ठान ही ली है तो बहाने तो हम लोग हजारों ढूंढ लेंगे, है ना? महिलाओं में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की मैंने एक अद्भुत क्षमता देखी है। अगर मौका मिले तो गाढ़े अंधेरे में भी बेखौफ होकर रोशनी ढूंढने निकल जाती है। आज भी मैं ऐसी ही महिलाओं से मिलने निकली हूँ जिन्होंने एक साथ जुटकर अपनी तकदीर ही बदल डाली है। आज किस चीज की मीटिंग कर रहे हैं? हम लोग आज यहाँ पे स्नेहा क्लब की मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में आज का हमारा मुद्दा था घरेलू हिंसा। ये क्या है ये स्नेहा क्लब? दीदी ने हम लोगों को जानकारी दी कि स्नेहा का एक सीरियल आता है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उसमें आप लोग देखिए और देखने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि उसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ क्या क्या हम लोग मिलकर कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने ही ग्रुप की महिलाओं को जोड़कर एक स्नेहा क्लब बनाया जिसमें हमारे समस्याओं का ही चर्चा होता है। मेरे अपने माँ बाप नहीं है, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा कोई अपना नहीं है, लगता है कि दोबारा पूरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, ये सब लोग आपके परिवार है, हम सब आपके परिवार का हिस्सा है। पारिवारिक बात हो रहा है, कोई किसी से शर्म नहीं, कुछ नहीं, बस जो भी मन में है वो बोलो।
रेखा जी क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, आप सब लोग एक साथ हो, इतना साथ दे रहे हो एक दूसरे का। सबको तो ऐसे रिश्ते नसीब ही नहीं होते। हम सबको तो गर्व है आप पे। जी ये स्ट्रिप लोगों को जोर नहीं रही है, देखिए लोग ऐसे रिश्ता और ऐसा प्यार दे रही है जो अपनों से नहीं मिलता है। मैं दोनों बहन हूँ, एक ही दिन एक ही घर में दो भाइयों से दोनों बहन की शादी हुई। मेरा उम्र 16 वर्ष था और मेरी बहन का उम्र 13 वर्ष था। शादी होने के बाद जब ससुराल हम लोग आए तो इसके हस्बैंड का भी उम्र कम ही था। जब उनके ऊपर घर संभालने का जिम्मेवारी आया तो ठीक माहौल नहीं रहा। उन्हें लगा कि ज़बरदस्ती मेरे ऊपर बोझ लाद दिया गया है और ये हम अब कर नहीं पाएंगे। उनकी भी इच्छा थी कि हम पढ़ाई करें। लगता था इनको कि इसको मतलब इसके ऊपर अत्याचार करेंगे तो मेरे यहाँ से चली जाएगी अपने मायके, तो फिर हम आराम से रह पाएंगे। घर में कुछ होता था तो इससे ज़्यादा दुख हमें होता था। ये तो कम से कम ठीक अपना कुछ खा पी ली, लेकिन हम दो दो दिन तक खाना नहीं खाते। लगता था जैसे कि बहन नहीं मेरी अब बेटी हो, क्योंकि गोद में इसको खिलाया है। तो बहुत बुझाता था पर खुल के बात भी नहीं कर सकते थे, खुल के लड़ भी नहीं लोग से सकते। बहुत हिम्मत मेरी दूसरा अगर जगह पर रहती तो आत्महत्या कर लेती चाहे कुछ कर लेती, मेरा साथ देती थी, कहती थी कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि निदान से हमारी एक शिल्पी जी नाम की एक मैडम आई और उन्होंने हमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ सीरियल के बारे में बताया और उसमें क्या क्या मतलब महिलाओं के लिए हो रहा है और क्या क्या आगे वो मतलब कर सकती हैं इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। मैं सबसे पहले मैं उसमें जुड़ी, उसके बाद मैंने अपनी बहन को भी उसमें बोला कि तुम भी इसकी मेंबर बनो। मीटिंग में आने लगे, हर एक दिन के घर के माहौल का चर्चा होने लगा। धीरे धीरे महिलाएं लोग बहुत सारी महिलाएं जुड़ी और उन्होंने भी हमारी मदद की। वो भी परेशानी हो कोई भी प्रॉब्लम हम बेझिझक यहाँ कह सकते हैं और हमारी मतलब अपने परिवार में हेल्प मिले या नहीं मिले उसकी उम्मीद नहीं है कि हमें वो हेल्प कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पे 100% है कि आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी भी प्रॉब्लम में हो आपको हेल्प मिलेगी। हम लोग को किसी एक मेंबर को पता चल गया कि उसके यहाँ उसके घर में उसके साथ हिंसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उस बात को उस मीटिंग में आके पहले आपस में सब बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें क्या निष्कर्ष निकलता है उस चीज़ को, उसके बाद फिर उसके घर वालों को जाके समझाया जाएगा। और समझाने के बाद अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो सारी महिला को ले जाके एक बार तो बात करना ही पड़ेगा कि इस तरह का काम ना करें। सही बात हुआ, समय बीत गया, समझदारी आ गई, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी ली, आज अपना घर बना लिए हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये भी बहुत खुशी से है और इसको खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ कि चलो मेरा घर परिवार अब अच्छा हो गया और आज यहाँ तक पहुँची कि आज हमारे साथ कम से कम ये बैरिया पंचायत की हर एक घर की महिलाएं जुड़ चुकी हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, स्नेहा क्लब के जरिए, और हम लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हाँ नीलिमा। हाँ दीदी, फुलवा नाम की एक औरत है ना? हाँ क्या हुआ? दीदी उसका पति बहुत ही बड़ा शराबी है, उसको बहुत मार रहा है दीदी। तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और मंडली की सभी औरतों को इकट्ठा करो। अरे आप लोग फिर से तमाशा बना रहे? अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये सीरियल जो भी दिखाया जाता तो बिल्कुल लगता नेचुरल है, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हो रहा है वही दिखाया जा रहा है। आपने कुछ दिखाया जो हमारे साथ हुआ, तो दी ने ऐसे किया तो सोल्यूशन हुआ, तो हम भी ऐसे करेंगे तो कुछ होगा। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें एकदम है ना, हम रब कुछ होकर बोलते हैं कि इसमें सच्चाई है। कहाँ पे पढ़ रहे हैं आप अभी? अभी एग्जाम दिया है इसने। अरे और शादी? अभी नहीं। आप में से ज्यादातर लोग अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह यही है दी कि अगर लेडीज को कोई भी प्रॉब्लम होती है
तो हमारे फैमिली हमारे हस्बैंड ले जाते हैं तो उसको सोचते हैं कि लेडी डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराए, कोई जेंट्स नहीं टच करे। तो जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी ही नहीं तो डॉक्टर बनेंगी नहीं तो लेडी डॉक्टर कैसे मिलेगी? प्रतापपुर हो या मुंबई, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सीरियल मिला था हम लोगों को मेमोरी में भर कर, तो लैपटॉप मिला उसमें घर में भी चला कर उनको बैठा के दिखाते थे, प्रोजेक्टर मिला था तो हम लोग बाहर गली में लगा कर सबको बैठा के दिखाते थे। कहा नहीं हम भी अगर बदलेंगे तभी तो आज हम बदलेंगे, कल हमको देखे मेरे घर के आसपास के लोग बदलेंगे, तो इस तरह से उन्होंने भी अब साथ देना शुरू कर दिया है और कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आज जो सीरियल देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं, ये मेरा नसीब नहीं है। अगर चाहे तो हम इसको लड़कर अपना जिंदगी को खुशहाल कर सकते हैं। तो पहले था रोज मर्रा में सुबह उठना है, काम करना है, बच्चे संभालना, पति संभालना है, फिर रात हुई फिर सुबह। लेकिन यहाँ आने के बाद मानो जिंदगी की एक नई दिशा मिल गई है कि हमको कुछ करना है। हम अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, हम अपना जैसा थोड़ी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बेटी को सब चीज करने के लिए आगे बढ़ाएंगे। बड़ी ताकत होती है साथ में, जुड़ाव में। एक और एक मिलते हैं तो 11 हो जाते हैं। छोटी छोटी लहरें जब साथ में आती हैं तो एक बड़ी लहर बन जाती है, और तब वो छलांग लगाकर परिवर्तन के आकाश को चूम लेती है। मैं कुछ भी कर